प्रदेश में भले ही सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही दिखाई दे रही है। ताजा मामला पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा से सटे राजकीय इंटर कॉलेज पीपली का है, जहां 254 विद्यार्थियों में मात्र 3 शिक्षक हैं, जिनके भरोसे स्कूल चल रहा है, जिस वजह से शिक्षकों की कमी से भड़के छात्रों और अभिभावकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र और अभिभावकों ने स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। आइए सर, और हमारी सर मांगे ये है कि सर साइंस का टीचर नहीं है सर हमारे पास, साइंस वर्क तो है सर लेकिन साइंस के टीचर नहीं है, और सर इसके अलावा सर हमारे स्कूल में आर्ट के टीचर नहीं है सर, हिंदी के टीचर नहीं है, और सर इसमें इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है लेकिन अभी भी उसमें पढ़ाई चल रही है, इसमें व्यवस्था में लगाए गए हैं, और सर संस्कृत के टीचर नहीं है सर, हम इससे पहले भी 2015-16 में आ चुके हैं सर साइंस के लिए, लेकिन सर हमें हर साल यही आश्वासन दिया जाता है कि सर कि आपके यहाँ अगले सत्र से साइंस के टीचर भेजे जाएंगे और टीचर भेजे जाएंगे, लेकिन सर हमें ये झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हो गए, आज हम पुनः यहाँ पे आए हैं साइंस के टीचर के लिए, और साइंस ही नहीं इसके अलावा सर जो कि मेन है सर इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर, और यहाँ तक कि सर इकोनॉमिक्स आदि के टीचर भी नहीं है। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष और अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री को कहा कि अगर वो शिक्षक नहीं दे सकते हैं तो उन्हें नेपाल में मिला दें। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सीमांत क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक नहीं भेजे गए तो वे आत्महत्या को बाध्य होंगे। हुई है अबाउट 85 किलोमीटर से हमारा ये रन पड़ता है, लगातार हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि वी वांट साइंस टीचर, अभी तो साइंस की बात तो रही दूर, हमारा अंग्रेजी का प्रवक्ता चला गया, इकोनॉमिक्स का प्रवक्ता चला गया, शिक्षा व्यवस्था इतनी लड़खड़ा गई कि विद्यालय की वहाँ अनुशासन तक जीरो हो गया है, बच्चे सवेरे जा रहे हैं और बस्ता लेके वापस घर को आ जा रहे हैं, और विद्यालय ऐसी जगह स्थित है कि नेपाल सीमा से सिर्फ 100 मीटर ही दूर पर है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जी से कि हमें सिर्फ आप नेपाल में मिला दो, अगर आप शिक्षा व्यवस्था संभाल नहीं सकते हो या तो पद से आप इस्तीफा दे दो, आप कभी धरातल पर आके चेक करो कि विद्यालयों की हालत क्या हो रही है, कागजों में कुछ और हो रहा है, विद्यालयों में कुछ और हो रहा है, मैं एक असमसी अध्यक्ष होने के नाते 5 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन वहाँ कोई विज्ञान शिक्षक अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। पहले से ही कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे इस सीमांत इलाके में अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई चौपट होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। हालांकि अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार के अधिकारी बच्चों की मांगों को कब तक पूरा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।